सत श्री अकाल जी, मैं हिमांशु अग्रवाल, वधीक डिप्टी कमिश्नर जिला अमृतसर। अज तुहाडे नाल फिर तो कोविड की जिहड़ी जिले की स्थिति है रूबरू कराने लई तुहाडे सामने पेश होया। दोस्तों, तुहानू सारयां नू पता है अपने जिले के पिछले कुछ दिनों तो मार्च के महीने हुण अप्रैल का महीना भी शुरू हो गया, काफ़ी तेजी नाल जिहड़े कोविड के केसिज हैं वह बढ़ रहे हैं। रोज़ाना आम तौर पर 250 तो 300 केसिस जोड़े कोविड के वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इन्ने ज़्यादा केसिस आने का एक कारण यह भी है कि जिला प्रशासन वालों काफ़ी मात्रा के जी सैंपलिंग की संख्या है वो बढ़ाई गई है। इस करके मेरी तुहानू बेनती है कि जेडे जेडे लोगों कोविड-19 के लक्षण जिमें कि किसी को सुक्की खांसी बुखार या शरीर कोई दर्द है, उन्होंने कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, वो अपने नज़दीकी हेल्थ केंद्र तो जरूर अपना कोविड का टेस्ट करवाउन, ताकि आने वाले दिनों के अपना भी कोविड-19 तो बचाव कर सकन ते अपने परिवार का भी जड़ा बचाव कर सकन। कोविड के बचाव के एक चीज़ होर जो बहुत जरूरी है वो है वैक्सीनेशन। तुहानू सारयां नू पता है कि हुण सरकार वालों कोविड के वैक्सीनेशन लई उम्र के छूट देंदे हुए 45 साल तो उत्ते जिन्हें भी व्यक्ति हैं उन्होंने वैक्सीनेशन अलाउ कर दिती है। साढ़े जिले के जेडे वैक्सीनेशन केंद्र हैगे उहदे विच तुसी जाके अपना आधार कार्ड नाल ले जाके बड़े ही आसानी नाल अपनी वैक्सीन की 2 डोजेस लगवा सकते हो। पहली डोज लगवाउण तो बाद दूजी डोज दे विच 6 तो 8 हफ्ते का समा चाहिदा हुंदा हैगा। जदों तुसी पहली डोज लगवाओगे तो तुहानूं मोबाइल ते मैसेज भी आ जाऊगा, जिहदे नाल तुहानूं पता लग जाना है कि तुसी दूजी डोज जिहड़ी है कदों लगवानी है। इस वेले जिले दे विच रोज़ लगभग 10,000 के करीब लोग अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस करके जिला प्रशासन वालों मैं तुहानूं बेनती करदा कि तुसी भी अपनी कोविड-19 की वैक्सीनेशन जरूर जाके लगवाओ। कोविड तो बचाव लई सरकार वालों जिला प्रशासन वालों समय समय दे कुछ नियम, कुछ डायरेक्शंस, कुछ हदायतां जारी कीतियां जांदियां ने, जिहदे विच सब तो जरूरी जिहड़ी हदायत है वह यह है कि अपना मास्क तुसी हमेशा पहन कर रखो। पिछले कुछ दिनों दे विच जिला प्रशासन वालों यह भी हदायत जारी की गई सी कि जिहड़े व्यक्ति अपना मास्क पहन के बाहर नहीं आ रहे, सड़कां दे बिना मास्क दे घूमते पे ने, उन्हां दी पुलिस नाकियां दे उत्ते सारे चौराहां दे उत्ते उन्हां नूं रोक के उन्हां दी मौके दे उत्ते सैंपलिंग भी कीती जा रही है। सो मेरी तुहानूं अपील है कि जे तुसी इस तरह की किसी भी कारगुजारी तो बचना चाहते हो अपना मास्क हमेशा तुसी पहन के रखो। किते भी तुसी भीड़ वाले इलाके दे विच जांदे हो उत्थे समाजिक दूरी बनाना बहुत जरूरी है। जे तुसी किसी इकट्ठ दे विच जा रहे हो ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਮਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ।
इस करके मेरी फिर तो मुड़ के सारे किसान भरावों को बेनती है कि वारी सिर जो उन्होंने नंबर आता है कोविड 19 की जिहड़े नियम है उन्होंने पालना करते हुए अपनी जिंस जिहड़ी है मंडियां च लैके आउण। असी मंडी दे विच तुहाडी सुरक्षा लई पूरी इंतजाम किए हुए हैं। दोस्तों इस दे नाल ही मैं तुहानू दुबारा एक बार मुड़ बेनती करांगा कि तुसी जिला प्रशासन का पिछले एक साल तो बहुत साथ दिता है पर यह जंग हजे खत्म नहीं हुई है, सानू तुहाडे सहयोग की बहुत लोड़ है। कृपा करके कोविड 19 के सारे नियम अते बचाव के साधनों का जरूर प्रयोग करो। इस दे नाल ही असी पंजाब सरकार के मिशन फतेह नू कामयाब बना सकते हैं।